नमस्कार दोस्तों, बीबीसी कंप्यूटर वर्ल्ड के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं बीबीसी की नई आरजीबी एलईडी स्ट्रिप वाली कैबिनेट के बारे में, जो कि है आपकी 1609। इस मॉडल के आज हम इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई इंक्वायरी हो, आप मेरे से वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ओवरऑल इस वीडियो में हम इस कैबिनेट के बारे में बात करेंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो का एंड तक देखें, जिससे कि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले हम इसके फ्रंट पैनल की अगर बात करें तो आप ये देख सकते हैं, बहुत ही स्टाइलिश डिजाइनर फ्रंट पैनल इसका दिया गया है। इसमें आपका मैट फिनिश भी है और इसी के साथ साथ में पियानो पॉलिश फिनिशिंग भी दी गई है। बीच में आपकी आरजीबी एलईडी इसके अंदर दी गई है। फ्रंट में आपका रिस्टार्ट का बटन और पावर के लिए बटन दिया गया है। टॉप में इसके आपको एक 3.0 यूएसबी हेडफोन के लिए, माइक्रोफोन के लिए जैक और एक 2.0 यूएसबी इसके अंदर दिया गया है। अब हम इसके एयर के लिए बात करें तो आप अगर साइड में देख सकते हैं तो ये सारी साइड में जो स्पेस दिया गया है ये एयर इनटेक के लिए दिया गया है। बॉटम में भी स्पेस दिया गया है, साइड में दूसरी साइड भी इसके लिए यहाँ पे एयर के लिए स्पेस दिया गया है। ये दोनों साइड इसके फ्रंट पैनल में स्पेस दिया गया है, जिससे कि एयर अंदर आ सके। साइड पैनल की बात करें तो हाफ विंडो इसमें साइड पैनल दिए गए हैं। कैबिनेट के अंदर की बात करें तो सबसे पहले केबल्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं केबल्स की क्वालिटी इस बार बीबीसी ने बढ़िया की है, जिससे कि आप सभी लोगों को इसका फायदा हो सके। स्क्रूज की बात करें तो ये इसमें स्क्रू दिए गए हैं, ब्लैक पेंटेड स्क्रू हैं इसके अंदर सारे। ये साटा आपका कनेक्टर दिया गया है, मेल कनेक्टर आरजीबी एलईडी के लिए। इसको जब आप अपनी पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो आरजीबी एलईडी प्ले होनी चालू हो जाएगी। और हम इसके अंदर की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें तो आप इसमें देख सकते हैं बड़े मदरबोर्ड के लिए इसमें स्पेस दिया गया। आप इसके अंदर ATX, मिनी ATX, माइक्रो ATX, M ATX तक मदरबोर्ड फिट कर सकते हैं। और SMPS की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं टॉप माउंटेड SMPS है। यहाँ पे आप एक 80mm का फैन फिट फिट कर सकते हैं बैक में, और ये आपके 7 एक्सपेंशन स्लॉट इसके अंदर दिए गए हैं। कैबिनेट की हाइट भी अच्छी खासी है, जिससे कि ये ओवरहीट नहीं होगी। एयर के लिए भी अच्छा खासा इसमें स्पेस दिया गया है। हम बात करें SSD के लिए, आप 2 SSD यहाँ पे लगा सकते हैं, एक SSD यहाँ और एक SSD यहाँ पे। और 3.5 इंच अगर हार्ड डिस्क की बात करें तो आप यहाँ पे टॉप पे इसमें 3.5 इंच हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, टॉप पे स्पेस दिया गया है।
तो टोटल ओवरऑल आप इसके अंदर 3 हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। हम इसका फ्रंट पैनल ओपन करते हैं। फ्रंट पैनल को हमेशा आराम से खोलिए जिससे कि किसी भी तरह का आपका लॉक वगैरह ब्रेक ना हो। आप देख सकते हैं आरजीबी के लिए इसमें ये दिया गया है, जो आपके वायर्स हैं। इसमें फ्रंट में आपके 2 120 mm के फैन लगाने के लिए स्पेस दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो इसके अंदर 3 फैन फिट हो सकते हैं, 2 आपके फ्रंट में 120 mm के और एक आपका रेयर में 80 mm का फिट हो सकता है। तो इसके अंदर अगर हम कैबिनेट की बात करें, आरजीबी एलईडी में अच्छा कैबिनेट है, अच्छा कूल कैबिनेट है, डिज़ाइन भी बहुत ओवरऑल अच्छा है, स्पेस भी अच्छा दिया गया है, हम प्रोडक्ट भी अच्छे खासे इसमें फिट कर सकते हैं। तो ये जो कैबिनेट है बहुत अच्छा कैबिनेट है स्टार्टिंग गेमिंग के लिए। तो ये इस कैबिनेट की अनबॉक्सिंग और सारे स्पेसिफिकेशन फीचर्स के साथ इसकी अनबॉक्सिंग थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए अगर कोई क्वेश्चन हो आपका, किसी भी तरह का कोई इश्यू हो या कोई कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। और इस प्रोडक्ट को अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप, मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिससे और लोग भी हमारी कंपनी के बारे में जान सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स का फ़ायदा उठा सकें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।